कोरोना वायरस का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। इस जानलेवा वायरस की चपेट में आने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पूरी दुनिया में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस का शिकार हो चुके। एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पहले 5 दिनों के भीतर शरीर में 3 खास लक्षण नजर आने पर कोरोना वायरस की शिकायत हो सकती है। अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद पहले 5 दिनों में इंसान को सूखी खांसी आना शुरू हो जाती है। मरीज को तेज बुखार चढ़ने लगता है और उसके शरीर का तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब तक कई हेल्थ एक्सपर्ट कोरोना वायरस में तेज बुखार चढ़ने का दावा कर चुके हैं। कोरोना वायरस की शिकायत होने पर पहले 5 दिनों में इंसान को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सांस की समस्या फेफड़ों में बलगम फैलने की वजह से होती है। नेशनल हेल्थ सेंटर NHS और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी कोरोना वायरस को यही लक्षण होने का दावा किया था। इसमें बदन दर्द और जुकाम जैसी भी समस्याओं के बारे में बताया गया था। शोधकर्ताओं ने यह रिसर्च चीन के वुहान शहर के बाहर करीब 50 इलाकों में किया। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इस दौरान लोगों को 14 दिनों के लिए सेल्फ आइसोलेट रहने की भी सलाह दी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कोरोना वायरस से मिलते जुलते लक्षण आम सर्दी जुकाम फ्लू इन्फेक्शन या निमोनिया से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर होने वाली फ्लू इन्फेक्शन में कुछ दिनों के भीतर मरीज की रिकवरी होने लगती है, जबकि निमोनिया कुछ हफ्तों में या महीनों तक रहता है। कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को साबुन से धोते रहें, चेहरे नाक या मुंह पर हाथ ना लगाएं और कम से कम लोगों से मिलें।